मनीषा नाम की एक लड़की अपने माता पिता और दो बहनें आदिति और चंचल के साथ रहती थी। कुछ समय पहले वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक दिन मनीषा का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे। मनीषा अपने दोनों बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी सबसे प्यारी बिटिया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ बेटा तुम्हें गिफ्ट में क्या लाके दूं? पापा, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस लेकर दीजिए। कुछ समय के बाद हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। बस इतनी सी बात। चलो ठीक है बेटा, हम आज ही तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं। मनीषा के माता पिता उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं, तभी दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। जब ये बात उनके परिवार को पता चलती है तो उनका परिवार बहुत दुखी हो जाता है। मनीषा की दादी मनीषा को ही उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी। अरे कल मोही, तू मेरे दोनों बच्चों को खा गई। मिल गई ना तुझे तेरी ड्रेस, जा यहाँ से, अब खुशी खुशी अपना जन्मदिन मना जाकर। उसके बाद से दादी मनीषा को बहुत मारने लगती थी और मनीषा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी और अपने दोनों छोटी पोतियों को बहुत प्यार करती थी और उनके साथ बहुत प्यार से खेलती रहती थी। वहीं मनीषा से वो घर का सारा काम करवाती थी और मनीषा को एक नौकरानी की तरह रखती थी। लेकिन मनीषा कभी भी अपनी दादी को कुछ भी नहीं बोलती थी। एक दिन मनीषा की दादी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अरे बेटा इधर आ बेटा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मेरा सर दबा दे बेटा। लाइए दादी, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे मुझे सब पता है, तू तो चाहती ही है मेरा सर बोलकर तू मेरा गला दबाना चाहती है। यही चाहती है ना कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँ और तू मेरी दोनों बच्चियों को खूब परेशान करे। अरे मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, समझी तू? दादी आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा आपके लिए, मैं तो बस आपका सर दबाने आई हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ चंचल और आदिति आ जाती है। तुझे दादी का सर दबाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम दोनों यहीं हैं, जल्दी से जा यहाँ से और अपना काम कर, समझी? उदास होकर मनीषा वहाँ से चली जाती है। आदिति और चंचल एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और मनीषा सारे दिन घर का काम करती रहती थी। दादी मनीषा को स्कूल भी नहीं जाने देती थी और उसे पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती थी। एक दिन आदिति और चंचल घर पर अपना टिफिन भूल जाती हैं। अरे कल मोही, तूने मेरी दोनों पोतियों को आज भी खाना नहीं दिया। अरे तू तो चाहती ही है कि मेरी दोनों पोतियां भूखी मरती रहे। दादी मैंने उन्हें खाना दिया था लेकिन वो आज भी अपना खाना घर पर भूल गई। आप चिंता ना करो दादी, मैं अभी उन्हें स्कूल में देकर आती हूँ खाना। मनीषा टिफिन लेकर उनके स्कूल आ जाती है। दोनों बहनें अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। आदिति चंचल, तुम दोनों फिर से आज अपना खाना भूल गई? अरे आदिति और चंचल, तुम दोनों बहनें तो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ती हो और इतने अच्छे कपड़े भी पहनती हो, लेकिन तुम्हारी बहन को तो देखो कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल नौकरानी लग रही है। अरे इसमें लगने वाली क्या बात है, ये नौकरानी ही है हमारी, हमारी ये कोई बहन वहन नहीं है, हम अपने घर में इसे नौकरानी की तरह ही रखते हैं। अरे तुम इस बेचारी को ऐसे क्यों बोल रही हो, आखिरकार ये तुम्हारी बड़ी बहन है। अरे यार क्या बताऊँ, इसके जन्मदिन वाले दिन जिद करने पर मम्मी पापा इसे ड्रेस दिलाने लेकर गई और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। इस वजह से हम इससे नफरत करते हैं। मनीषा को अदिति की ये बात बहुत बुरी लगती है, वो एक जोरदार थप्पड़ अदिति को मारती है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, घर की बातें बाहर बताती हो, क्या तुम दोनों को स्कूल में यही सिखाया जाता है? अदिति और चंचल को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों मनीषा को मारने लगती है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। आज तो तूने हमें हाथ लगा दिया, अगर आगे से हिम्मत भी की तो हम तेरे दोनों हाथ तोड़ देंगे। चली जा यहाँ से, नहीं तो हम तेरी बहुत पिटाई करेंगे। रोते रोते मनीषा वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें घर पर आकर दादी को स्कूल की सारी बातें बताती है। दादी ये सुनते ही मनीषा की पिटाई करने लगती है। अरे नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी दोनों पोतियों को हाथ लगाएगी? आगे से अगर तूने मेरी फूल जैसी बच्चियों को हाथ भी लगाया, मैं तेरे दोनों हाथ काट दूंगी। चली जा यहाँ से, मेरी पोतियों के लिए खाना लेकर आ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अगले साल मनीषा का फिर से जन्मदिन आता है, लेकिन किसी ने भी मनीषा को जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी।
मनीषा सीधे अपने दादी के पास जाती है। दादी माँ, आप दोनों का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती हो, लेकिन आपने मुझे आज विश तक नहीं किया। आज मेरा जन्मदिन है दादी माँ, मुझे एक बार गले तो लगा लीजिए। मनीषा की ये बात सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मनीषा को मारती है। मनहूस, तेरे इस मनहूस दिन को मैं कभी भी याद नहीं करना चाहूँगी। चली जा यहाँ से। और हाँ, आज घर में पानी नहीं है, सारे कपड़े उठा और तालाब से धोकर लेकर आ। चल जा यहाँ से। रोते रोते मनीषा कपड़े उठाकर तालाब के पास पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है। ए लड़की, यहाँ पर कपड़े मत धो, हमारा पानी खराब हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं कहीं और जाकर धो लेती हूँ। तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मनीषा तालाब को वो सारी बातें बताती है। तभी तालाब अपनी शक्तियों से बहुत सारे केक प्रकट करता है और तालाब के अंदर से बहुत सारी जलपरियां आती हैं। सुनो, तुम एक केक अपने घर ले जाओ और जाकर अपना जन्मदिन मनाओ। मनीषा इतने सारे केक देकर बहुत खुश हो जाती है और उनमें से एक केक लेकर वो घर पहुंच जाती है। दादी, अदिति, अरे चंचल कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। तीनों बाहर आती हैं। दादी, आज मेरा जन्मदिन है, चलिए ना केक काटते हैं। मनीषा की ये बात सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आ जाता है और दादी उसकी पिटाई करने लगती है और उसे धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देती है। अरे, आज के दिन तो मेरे बहू और बेटे को खा गई थी, यहाँ केक काट कर तो खुशी मनाना चाहती है, दोबारा इस घर के अंदर लौट कर नहीं आना, समझी? चल जा यहाँ से। रोते रोते मनीषा वापस उस जादुई तालाब के पास पहुँच जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, केक अच्छा नहीं लगा क्या? मनीषा तालाब को वो सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं, तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए तालाब से तुम केक लेकर जा सकती हो और उन्हें बाजार में भी बेच सकती हो। अब मनीषा उस तालाब से केक निकालकर बाजार में बेचने लगी। इसी तरह मनीषा बहुत सारे पैसे कमाने लगी थी और अपना छोटा सा सुंदर सा घर बनाकर उसमें रहने लगी। मनीषा ने अपने आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब तीनों लड़कियां बड़ी हो चुकी थी। मनीषा का केक का व्यापार बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। उधर अदिति और चंचल मोहित और सचिन नाम के दो लड़कों से शादी कर लेती है और उन दोनों को अपने ही घर में ले आती है। उसके बाद वो दादी को बहुत परेशान करने लगी थी और दादी से घर का सारा काम करवाने लगी थी। एक दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे चंचल, हम इस दादी से परेशान हो गए हैं यार, एक काम करते हैं, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वो चारों मिलकर दादी को वृद्धाश्रम के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। मनीषा अक्सर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने जाया करती थी और उनके लिए जरूरत की चीजें पहुंचाती थी। एक दिन मनीषा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने गई थी और तभी उसे अपनी दादी नजर आती हैं। अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादी मनीषा को सारी बातें बताती है। चलिए दादी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मनीषा दादी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे हमेशा मनहूस बोलती रही, तुझे बुरा भला कहती रही और उन दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था मैंने, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे। मनीषा दादी को माफ कर देती है और अब दादी खुशी खुशी मनीषा के साथ रहने लगती है।